ग्राम भटेरा के वार्ड नंबर 17 में रहने वाले लगभग 200 लोग हैं जो पानी की समस्या से पिछले 2 साल से पीड़ित हैं। और 2013 अक्टूबर में जो रोड का काम यहां इस गांव से निकला शुरू हुआ, जिसके कारण जो दमोह और छतरपुर रोड है, इसके काम शुरू होने से जो रोड पे 5 हैंडपंप थे जिनमें से 3 दब चुके हैं और 2 सुधरने की स्थिति में हैं जो आज तक नहीं सुधरे। आज 7 जनवरी 2015 को जब ये यहाँ कोई भी ऐसा सुधार नहीं हुआ जिससे लोगों की पानी की समस्या खत्म हो। यहाँ पानी की समस्या कब से है? यहाँ करीब 2 साल से पानी की समस्या है। तो ये समस्या क्यों आई यहाँ? इसलिए आई है कि 5 नल रोड पर थे, वो भी खराब पड़े हुए हैं, और 1 नल हमारे क्या था के पास था, हमारे मोहल्ले में था, वो भी सीसी रोड में दब गया, इसलिए समस्या आ गई है। और जो रोड पे 5 नल थे वो नल का क्या हुआ, कैसे दब? वो नल आज भी बिगड़े पड़े हैं, उनकी पाइप लाइन किसी का कुछ 1-2 नल तो रोड में दब गए हैं, इसके कारण वो अभी 1 वर्ष से सुधरे भी नहीं है, बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति है कि आप इस गांव में जो अपने निजी नल लगे हुए हैं सबके, किसानों लोगों के, हम जितने इस वार्ड में हरिजन और आदिवासी लोग रहते हैं, हम लोगों को पानी देने को लोग प्रताड़ित करते हैं कि हमारे नल का पानी मत लीजिए और जहां मिले वहां से लीजिए, तो हम लोग कहां जाएं पानी के लिए? इसलिए हमारी ना तो सरपंच सुनता है ना कोई सुनता है, पानी कहाँ से लाएं, कहाँ से पानी पिएं? अभी आप लोग कहाँ से पानी भर रहे हैं? अभी तो हम लोग बेसरमियाई से, गांव से, इधर उधर से, कहीं इधर से, ये पीछे एक गड्ढा भरवाया है हम लोगों ने, सब जनों ने मिलके, उसमें से देखिए आप कितना दूषित पानी पी रहे हैं हम ही लोग, सभी लोग। आप लोग ये पानी का किस लिए ले जा रहे हो? ले जा रहे नहावे धोबे, लाइट भी नहीं, मोटर चालू नहीं, वही में बर्तन साफ कर ले, छंजे सो का वही पीबे के काम में आ जाए, और पानी है ही नहीं तो वही छाना छना कर पिया, तो वही में नहाओ धो वही में बर्तन साफ करा तो हम सिर से कह दे छन से छान ले तो पी। क्या यहाँ रोज पानी मिल जाता है आपको? 2-2 दिन आवे मिला थे पानी, रोज मिला थो तो छनो ही ना भर ली में, जब लाइट आ गई सो भरन लगे, लाइट आ गई कर दई चालू मोटर तो मिल गओ पानी, नहीं मिलो तो जो छान छान के पिया थे। और रोड के उस पार हमारी बेटियां भी, बच्चियां भी, और हमारी महिलाएं जाती हैं रोड पार करके, तो एक्सीडेंट का भी डर लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ही मोहल्ले में एक नल उपलब्ध हो जाए ताकि हम लोगों को पानी से गुजर बसर कर सकें। इस समस्या से आदिवासी विश्वकर्मा वंशकार के 200 लोग ऐसे इसी समस्या से पीड़ित हैं जो कि पानी की समस्या को लेके है, और जो पीएचई विभाग को भी रोड वालों ने इसकी नोटिस भेजी, उन्हें जानकारी भी है, विधायक जी द्वारा भी इस पे सहयोग मांगा गया, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ। दबाव के लिए जो हमारे ब्लॉक भटियागढ़ के अधिकारी हैं श्रीमान मिश्रा जी, जिनका फोन नंबर है 94247628845, और जिला अधिकारी जी जो है श्रीमान अग्रवाल जी, उनका फोन नंबर है 98264428888। मेरी आप सभी श्रोताओं से अपील है, फोन कर अपना दबाव बनाएं और हमारे साथ सभी का सहयोग करें जो समस्या से पीड़ित हैं। मैं आरती वाल्मीकि, ग्राम भटेरा, पंचायत बकाइन से, इंडिया अनहर्ड के लिए।